समुद्र में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा प्रजाति मछली है, जिसमें पूरे इंसान को निगल जाने वाली मछली से लेकर चींटियों के जितना छोटे खतरनाक मछली है, जो आपको अंधा बनाकर आपके नाक और कान के जरिए प्रवेश करके आपको मौत के घाट उतार सकता है। समुद्र में पाई जाने वाली आम मछलियों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे भी मछलियां हैं जो हमारे सामने होते हुए भी हम उसे अपने नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 पारदर्शी मछलियों के बारे में बताएंगे। स्याल्पा। स्याल्पा मछली एक पारदर्शी मछली है जिन्हें पानी में ढूंढ पाना नामुमकिन है। इसके अंदर की उसी चीज को आप देख सकते हैं जो चीज इसने खाया होता है। ये मछली दिखने में एक पानी के बोतल के समान होता है, जो एक दूसरे की शरीर को जोड़कर एक विशाल झुंड बनाकर रहते हैं। इस मछली के पास तैरने के लिए पंख नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये तैरने के लिए अपने पेट में पानी भर के उसे पंप करते हैं। ये मछली समुद्री सतह में अपना जीवन बिताते हैं। ये मछली पारदर्शी होने की वजह से अपने शिकार के हमले से बच जाते हैं। स्याल्पा मछली इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, जिसकी वजह से चीन के पापी लोग इसे जिंदा चबाकर खा जाते हैं। इस मछली को देखने पर इसके अंदर के एक संतले रंग की अंग के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इससे हमें यह पता चलता है कि वास्तव में प्रकृति की रचना कितना अद्भुत है। बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश एक पारदर्शी मछली होने के साथ साथ एक जहरीली मछली है, जिसे पानी में ढूंढ पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें पानी में दिखाई नहीं देते हैं और हम जाने अनजाने में इसका शिकार बन जाते हैं। जेलीफिश की वजन 2 किलो और लंबाई 8 इंच और व्यास 12 इंच होते हैं। जेलीफिश अपने टेंटेकल्स यानी जाल के माध्यम से शिकार करता है, जिसकी लंबाई 10 फीट तक होते हैं। ये शिकार करते वक्त आपकी बॉडी को चारों तरफ से जकड़ लेगा, उसके बाद अपने टेंटेकल्स के अंदर मौजूद कांटे के द्वारा आपके शरीर में जहर प्रवेश करेगा। इस अवस्था में अगर आपको तुरंत हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया गया तो बॉडी पैरालिसिस होने की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि जेलीफिश के अंदर नाइडोसाइट नाम का एक खतरनाक जहर पाया जाता है, जो इंसानों को कुछ ही घंटों में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए जेलीफिश को देखने पर उनसे सावधानी बनाए रखिएगा। यूरोपियन ईल। यूरोपियन ईल एंगुला प्रजाति की एक सदस्य है, जो अपना अधिकांश समय समुद्र के मीठे पानी में बिताते हैं। यूरोपियन ईल ज्यादातर रशिया और फिनलैंड के ट्रांसपेरेंट नदी में पाए जाते हैं। यूरोपियन ईल का औसत जीवन काल 85 वर्ष तक होते हैं। इसकी शरीर का आकार सांप के जैसा होता है। ये अपनी बढ़ती उम्र के अनुसार शरीर का आकार और रंग बदलते रहते हैं, जिनके जीवन काल को 4 स्टेज में बांटा गया है। पहले अंडे से निकलकर लार्वा स्टेज में आते हैं, जहां उनके पतले सिर और लंबे शरीर के कारण उन्हें लेप्टोसेफलस के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे उसकी उम्र दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी शरीर लंबा और पारदर्शी होते जाते हैं, जिसे ग्लास ईल कहा जाता है। इस स्टेज में मछली रिबोन की तरह लगते हैं, जो दिखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद अपने तीसरे स्टेज एल्बर्ट्स पर आते ही एक सामान्य ईल मछली के रूप में बदल जाता है। आखिर में वो अपना एडल्ट स्टेज में आकर उसका रंग सिल्वर में बदल जाता है। इस स्टेज में ये अपने बच्चे को जन्म देता है और अपनी प्राण त्याग देता है। ये मछली समुद्र में मौजूद छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसकी लंबाई 4 फीट 3 इंच और वजन 6 किलो है। ट्रांसपेरेंट फ्लैट फिश। दोस्तों, पानी में रहने वाले बहुत से जीव अपने बाल्यावस्था में पारदर्शी होते हैं, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो अपने सामान्य रूप में बदलते जाते हैं। इसी तरह इस मछली के जीवन काल भी कुछ ऐसा ही है। ये मछली अपनी बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था के सफर में कई सारे रंग बदल लेते हैं। अक्सर आपने किसी भी मछली की आँख दोनों तरफ देखे होंगे, लेकिन इस मछली को प्रकृति ने कुछ अलग ही तरीके से बनाया है। इस मछली का दोनों आँख और नाक एक ही तरफ है, जिसकी वजह से ये मछली समुद्री सतह पर सूत कर चलते हैं। फ्लैट फिश की आकार 8 फीट 2 इंच और वजन 316 किलो होते हैं, जो इसे एक विशालकाय मछली बनाता है। इसकी जीवन काल 60 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं और ये खाने में मांसाहारी है। माइक्रोफिना फिश। समुद्र की गहराई में पाई जाने वाली ये मछली दिखने में एक आर्टिफिशियल मछली जैसा लगता है, जिसकी अंदर की ऑर्गन्स को हम बाहर से भी देख सकते हैं। इस मछली का सिर ट्रांसपेरेंट होता है और बाकी का शरीर भूरे रंग का होता है। इस मछली के सिर पर 2 छेद होते हैं, जहां से अपनी आसपास की स्मेल को पहचान कर शिकार का पता लगाते हैं। इनके सिर पर 2 गोल आकार की आंखों का लेंस हरे रंग का होता है। इस मछली का सिर ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये मछली एक ही जगह स्थिर रहकर ऊपर नीचे दोनों तरफ देख सकते हैं, जिससे ये अपने शिकार पर तीनों तरफ से नजर रख सकते हैं। ये मछली समुद्र की गहराई में 2000 फीट नीचे अंधेरे में रहते हैं, जो ज्यादातर पैसिफिक, इंडियन और अटलांटिक महासागर की गहराई में पाए जाते हैं। ये मछली माइक्रोफिना प्रजाति की है, जिसका खोज वैज्ञानिकों ने सन 1929 में किया था। ये मछली आकार में 6 इंच लंबा और वजन करीब 140 ग्राम तक होते हैं। ये मछली ज्यादातर समुद्र में मौजूद छोटे केकड़े जैसे जीवों को अपना आहार बनाते हैं। तो ये रहा दुनिया के 5 पारदर्शी मछलियाँ।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एडवेंचर हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।